जी एक और सवाल है, क्योंकि हम उंगलियों की भी बात कर रहे हैं, किसी किसी के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं या ज्यादा भी होती हैं, वो लोग कैसे होते हैं? देखो, अगर पुरुष के हाथ में 6 उंगलियां दाहिने हाथ में हैं तो ये शुभकारी है। अगर महिला के बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं वो शुभकारी है, लेकिन अगर महिला के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं तो ये विपत्ति का सूचक है, पुरुष के बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं तो ये दुर्दशा की सूचक है। तो इस तरह से जो अंग हमारे लिए लकी है, जो भाग उत्तर भाग या दक्षिण भाग, पुरुष का भाग या स्त्री का भाग, उस तरफ अगर उंगलियों की संख्या ज़्यादा हो तो निश्चित रूप से भाग्यशाली, लेकिन अगर हाथ पैर सब में 6-6 उंगलियां हों तो ये सर्वस्व नष्ट करने वाला और दुर्भाग्य का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति आजीवन औसत से बहुत नीचे का जीवन जीने के लिए विवश होता है। और कुछ लोगों को तो उंगलियां गिनने के लिए कहते हैं, लेकिन एक उंगली छोटी कनिष्ठिका उंगली में केवल 1 सेंटीमीटर की होती है, केवल 1 सेंटीमीटर की होती है। ऐसी उंगलियों को कटवाना नहीं चाहिए, ये भाग्य का लक्षण है। इसी तरह से ये किसी के हाथ में यहाँ अंगूठे के पास अगर 2 अंगूठे जुड़ करके निकले हुए हों और पुरुष के दाहिने हाथ में, स्त्री के बाएं हाथ में, तो ये सौभाग्य का लक्षण है, लेकिन अगर यही उल्टा है तो ये दुर्भाग्य का लक्षण है। 2 ही जगह उंगलियां बढ़ती हैं, या तो अंगूठे 2 हो जाएं, या तो ये कनिष्ठिका उंगली के मूल में एक छोटी सी उंगली जम जाती है। तो कई लोग अलग भी करा देते हैं ऑपरेशन के थ्रू, तो अब वो तो देखिए आज की आधुनिक व्यवस्था में अगर ऐसा कुछ संभव है तो करा देना चाहिए, लेकिन अब इसका मतलब कि अगर पुरुष के दाहिने हाथ में है और ऐसा ना कराएं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि विधाता की बनी हुई चीज को बिगाड़ने में हमें क्या फायदा है? अगर उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है तो क्यों बिगाड़ना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, हमने कहा था कि आज की चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए अपनी हाथ की जो उंगलियां हैं और जो रेखाएं हैं इन पर जरूर गौर कीजिएगा। हथेली में कहाँ होता है मणिबंध और इस मणिबंध का भाग्य रेखा के साथ क्या सीधा कनेक्शन है, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, अब मणिबंध के बारे में बताइए। देखो, मणिबंध तो मैंने आपको बताया ना, ये जो मतलब कि हथेली जहाँ से ख़त्म होती है, इसके नीचे ये वाली रेखा देख रहे हैं ना, ये मणिबंध की रेखा है। और मेरे हाथ में ये 2 रेखाएं हैं, एक उसके नीचे भी है और एक ऊपर भी है। ये मणिबंध की रेखा जितनी गहरी, स्पष्ट और कटी हुई नहीं होगी उतना ही अच्छा माना जाएगा। और मणिबंध के प्रथम भाग से भाग्य रेखा का अगर आरंभ हो तो ऐसा व्यक्ति सोने का कटोरा और सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, समझ रहे हैं? मतलब उनको जो है कभी अपने जीवन यापन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उनके जीवन में पैदा होते ही सारी व्यवस्था होती है। ये इसको कहते हैं भाग्य। सुची नाम श्रीमतामगे हे योग भ्रष्टो भियायते, मतलब पूर्व जन्म का बहुत अच्छा प्रारब्ध है, इस जन्म में बहुत अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं और बचपन राजकुमार की तरह व्यतीत हो रहा है। अच्छा, और बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियां व्यक्ति के कंधों पर आ जाती है। मणिबंध के प्रथम भाग से शुरू हुई शनि रेखा अगर हृदय रेखा तक जाती है जाए तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो सबसे ऊपर वाली रेखा है जिसको हृदय रेखा कहते हैं, अगर यहीं जाके भाग्य रेखा समाप्त हो जाए तो वैवाहिक जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, घर मकान बनाने में बहुत दिक्कत आती है। और मणिबंध से शुरू होने वाली शनि रेखा व्यक्ति को मेहनत करने पर ही सफलता देती है। चंद्र क्षेत्र से शनि रेखा या भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाए तो किसी पुरुष की ही मदद से उन्नति प्राप्त होती है। पुरुष के हाथ में ऐसा योग है तो किसी महिला का जीवन में अहम योगदान रहता है। शुक्र पर्वत से आरंभ होने वाली भाग्य रेखा बताती है कि आपको अपने परिवार को, दोस्तों का हमेशा सहयोग प्राप्त होगा। जीवन रेखा को छू कर निकलने वाली भाग्य रेखा हो तो परिवार के कारण ही व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आपकी हथेली पर बनी शनि रेखा की बनावट आपके पास्ट और फ्यूचर के बारे में क्या कुछ बताती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अमूमन लोग दिखाते हैं जो पाम रीड करते हैं,
और उसमें फ्यूचर, अपना प्रेजेंट फ्यूचर जरूर जानते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए कैसे पता चलता है। देखो हथेली के मध्य भाग में, ये हथेली का मध्य भाग है, मध्य में आरंभ भाग्य रेखा संकेत देती है। यहां से अगर भाग्य रेखा शुरू हुई है तो संकेत देती है कि व्यक्ति का बचपन संघर्ष में बीता होगा। मेरे हाथ में भी नीचे से नहीं है भाग्य रेखा, बीच में से ही है भाग्य रेखा, ये जो बता रहा हूं मेरे हाथ में भी है। तो बचपन संघर्ष में बीतता है, सिर्फ शनि पर्वत से ही भाग्य रेखा प्रारंभ हो तो व्यक्ति जीवन के मध्य भाग में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बड़ी उम्र में होता है। हाथ में गहरी भाग्य रेखा या शनि रेखा हो तो उन्नति होती है, पतली और हल्की शनि रेखा से बहुत लाभ नहीं मिल पाता है। भाग्य या शनि रेखा मोटी हो तो शुभ फल नहीं देती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो भाग्य में रुकावट लाता है। जीवन रेखा को काटती हुई रेखाएं भाग्य रेखा को भी काटें तो जीवन में चिंता कष्ट के कारण तरक्की और भाग्योदय नहीं हो पाता है। भाग्य रेखा या शनि रेखा से निकलकर ऊपर जाने वाली रेखाएं उन्नति कारक होती हैं और नीचे की ओर मुड़ने वाली रेखाएं तरक्की में रुकावट पैदा करती हैं। जीवन में होने वाली किसी अनहोनी का भी संकेत होती हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। और अगर कोई रेखा जीवन रेखा को और भाग्य रेखा को दोनों को काट रही है, शुक्र पर्वत या निम्न मंगल से निकलकर, तो आप ये मान के चलिए कि उस उम्र में व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण, गंभीर रोग होने के कारण व्यक्ति का भाग्य दूषित हो जाता है और व्यक्ति दुर्भाग्य के थपेड़े खाता है और बहुत ही बुरी जिंदगी की स्थिति हो जाती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है कि उसका सारा पुरुषार्थ और सारा पराक्रम धरा का धरा रह जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये मैंने सुना है, आप ज़्यादा स्पष्ट बता सकते हैं कि जब भी आप स्पेशली अपना हाथ किसी को दिखाते हैं या कहीं रीड कराते हैं तो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए वो। जी, ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, व्यक्ति को अपना भाग्य और अपना हाथ पहली बात किसी प्रमाणिक व्यक्ति को ही दिखाना चाहिए। प्रमाणिक व्यक्ति माने जिसके अंदर शास्त्रों की मर्यादा को समझने की गरिमा हो, जो एक रिस्पांसिबल नागरिक भी हो। ऐसा न हो कि आपको सिर्फ खराब खराब बताकर, आपको डरा करके वो अपना उल्लू सीधा करे कि मुझसे ये सियार सिंह ही ले लो, मुझसे ये हत्था जोड़ी ले लो, मुझसे ये नगीना ले लो, मुझसे ये रुद्राक्ष ले लो, तुम्हारे कुंडली में इतना खराब है, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तुम्हारा अब संतान खराब होने वाला है। मतलब ये सब बात अगर करने वाला है, पहली बात आप जिसको अपना भाग्य दिखा रहे हो पहले उसके बारे में आप मूल्यांकन कर लो कि इसका भाग्य कितना अच्छा है जी, ये अपने को जीवन में कितना व्यवस्थित कर पाया है। और केवल पैसे से व्यवस्था व्यवस्थित नहीं मानी जाती है, उसका जीवन, उसका आभा मंडल, उसकी यश कीर्ति क्या कह रही है, तब आप अपना हाथ दिखाइए। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जाना पिकुतो मनुष्य। अब जैसे मोदी महाराज हैं तो अब किसको राष्ट्रपति बनाएंगे किसी को पता नहीं। कोई आकलन करके बता दिया होता तो मैं उसको समझता कि हाँ कोई ज्ञानी है। किस प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री होगा, 2 घंटे के पहले तक किसी का कोई अनुमान नहीं। सारी मीडिया, सारे रिपोर्टर, सारे चैनल, सारे राजनेता जब डिक्लेयर होता है तो मुंह खुला रह जाता है। कौन कहाँ का राज्यपाल 1 घंटे बाद बन जाएगा किसी को पता नहीं। तो ये है राष्ट्रस्य चित्तम, जिसका किसी को पता नहीं लगता है। कृपणस्य वित्तम, कंजूस व्यक्ति धन कहाँ रखा हुआ है, उसके पास कितना धन है, ये पता लगाना असंभव है। तिरिया चरित्रम, जो महिलाएं सचमुच में अपने पूरे कला को प्रदर्शित करती हैं उसको भी दैवम न जाना, देवता भी नहीं जानते मनुष्य की क्या हैसियत है। पुरुषस्य भाग्यम, और पुरुष का भाग्य जो है इसको भी दैव भी नहीं जानते हैं मनुष्य का क्या भरोसा है।
क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ये ना तो कबूतर है ना तो कुत्ता है। जैसे कबूतर के भाग्य में जो लिखा है वही होगा, और कुत्ते का भाग्य दो है, एक तो घर घर डंडा खा करके दौड़ेगा और दूसरा है एसी में बैठ करके और चलेगा और एसी कमरे में सोएगा और सब प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन पाएगा और आनंद से व्यतीत होगा। ये तो उसके पूर्व जन्म में जो प्रारब्ध किया है उस हिसाब से सुख दुख मिल रहा है। लेकिन हम हैं मनुष्य, अगर हम सत्कर्म में लगें और हम ईश्वर को माने, ईश्वरी सत्ता को माने और अपने को समर्पण करके शुभ कर्म करें, तो हम अपने बुरे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। हम अपने बुरे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। कही जाती है पंडित जी, मनुष्यों के लिए ही कह रहा हूँ। नहीं, ये बात कही जाती है कि पिछले जन्म के कर्मों का आप भोग रहे हैं। इसमें दो कारण है बेटा। एक तो ऐसा है कि जैसे 24 कैरेट सोने से कोई गहना नहीं बनता है बिना मिलावट किए, उसी तरह से बिना शुभ और अशुभ के मिलावट के शरीर नहीं बनता है। शुभ और अशुभ दोनों के मिलावट से ही शरीर का निर्माण होता है। अगर अशुभ ज्यादा होगा, अशुभ ही अशुभ होगा, तो आप नरकादि योनियों में भेज दिए जाएंगे। अगर शुभ बहुत ज्यादा होगा तो आपको स्वर्गादिक स्थान पे जगह मिल जाएगी, लेकिन यदि शुभ अशुभ दोनों है तो आपको मनुष्य देह प्राप्त हो जाएगी। तो जो आपके शरीर का प्रारब्ध है सुख दुख का, तो जिस समय में आपको जो दुख मिलना है, जो कष्ट मिलना है, वो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी आपके ऐसे तमाम कर्म होते हैं, व्यक्ति अपने सीने पे हाथ रखकर सोचे कि जो कर्म हमारे द्वारा हुए हैं अगर वो प्रकाशित हो जाएं तो उसका क्या दंड होगा, जरा सोच कर देखो। तो कितने ऐसे कर्म होते हैं जिसकी इतनी बड़ी सजा होगी कि शायद आप भुगत नहीं पाएंगे। तो उन कर्मों को जलाने के लिए, उन कर्मों को खत्म करने के लिए जब हम भगवत शरण लेते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन जीना शुरू करते हैं, तो जैसे ब्लैक बोर्ड पर सब लिखा हुआ डस्टर से मिटाया जाता है, उसी तरह से भगवान हमारे पूर्व इसी जन्म के किए हुए कर्मों को मिटा करके और शुभ फल का उदय करते हैं। कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति कौन्तेयम् प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ज्यों ही वो शरणागति को मेरे प्राप्त होता है त्यों ही मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, उसे शाश्वत शांति भी देता हूँ। कौन्तेयम् प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, इस तरह से मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो बस ईश्वर की शरणागति, और ईश्वर की शरणागति क्या है? ईश्वर की शरणागति ये है, सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस पूरे विश्व में 750 अरब की जो आबादी है सब में वही प्रभु विराजमान है, ये भाव हमारे दिमाग में आना चाहिए। और जिस दिन हम आंख बंद करके ये सोचें कि क्या इस संसार में कोई मेरा बैरी है, कोई मेरा शत्रु है, और जवाब यहाँ पे ना में आवे, तो समझ लेना कि मैं प्रभु के सन्निकट हूँ। और अगर जवाब ये है कि कोई दुश्मन है, तो अभी आप प्रभु के पास नहीं हैं। जय माँ बिंदीवासिनी। तो जैसा कि मैंने सवाल पंडित जी से किया था कि आप सार्वजनिक अपना हाथ ना दिखाएं, तो पंडित जी ने बताया कि आपको नहीं दिखाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पंडित जी से अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हथेली में शनि पर्वत कहाँ होता है और इसका हमारे जीवन और करियर और भाग्य पर कैसा असर पड़ता है। पंडित जी, शनि पर्वत तो आपने बता दिया है हाथ में कहाँ होता है, लेकिन इसका हमारे भाग्य पर असर कैसा है? बहुत असर पड़ता है। ये मध्यमा उंगली देख रहे हैं ना, मिडिल फिंगर, इसके नीचे वाला ये जो स्थान मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, यही शनि पर्वत है। अगर ये उभार लिए हुए है तो ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। जिन लोगों को जीवन में अचानक बड़ी सफलता मिलती है, ऐसे लोग एक से ज़्यादा संपत्ति बनाने में सफल होते हैं। शनि पर्वत उठा हुआ हो तो शनि कृपा मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति गलत बातें और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति सत्यवादी, दूसरों को मन को पढ़ने वाले, परोपकारी, न्यायप्रिय, जादूगर, तंत्र में रुचि रखने वाले, प्रॉपर्टी, धातु, खनिज, नमक या रत्नों से जुड़ा काम करने वाले हो सकते हैं।
शनि पर्वत पर अगर शनि दबा हुआ है, शनि पर्वत पर गड्ढा है, तो शनि के सकारात्मक फल में कमी आती है। शनि पर्वत दबा हो तो हथेली की त्वचा रूखी हो तो शनि अनिष्टकारी होता है। शनि अपना विपरीत प्रभाव व्यक्ति पर दिखाता है, दुर्भाग्य ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे लोगों को मेहनत करने के बाद भी सफलता कम मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं। हाथ में शनि शुभ न हो तो व्यक्ति अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। शनि पर्वत पर क्रास या नक्षत्र के होने से व्यक्ति को असाध्य रोग घेर सकते हैं, और इसी पर्वत पर खराब रेखाएं होने से, क्रास होने से, इस रेखा के कटने से किडनी जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां भी मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आपकी उंगलियां बताएंगी कि शनि आपको कष्ट देंगे या खुशियां? उंगलियों की कैसी बनावट आपके जीवन में शनि के शुभ या अशुभ प्रभाव डालेगी? आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। जिन लोगों के हाथों की दसों उंगलियों के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे गोल हों, तो ऐसे लोगों पर शनि का अशुभ प्रभाव होता है। जिस व्यक्ति की हथेली का रंग काला होता है, ऐसे व्यक्ति पर शनि का शुभ प्रभाव नहीं मिलता है। जिन लोगों की हथेलियों उंगलियों की गांठें तीखी हों, उंगलियां लंबी हों और सीधी हों, हाथ का रंग गुलाबी हो, ऐसे लोगों पर शनि का शुभ प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में शनि पर्वत पर रेखाएं बहुत ज़्यादा हों, मध्यमा उंगली टेढ़ी हो, कटी फटी हो, हथेली पतली हो, हाथ का आकार दोषपूर्ण हो, तो शनि की दशा में कष्ट मिलते हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए। देखिए, शरीर की रचना से बहुत कुछ पता चल जाता है। हम तो कहते हैं शरीर की बात आप क्यों करते हैं, केवल हाथ, चेहरा और पैर देख लीजिए तो पता लग जाता है। कोई महिला चाहे किसी राजघराने में पैदा हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी हो जाए, लेकिन अगर उसका पैर दाहिनी तरफ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो और अंगूठा एकदम बाईं तरफ दाहिनी तरफ मुड़ा हुआ हो, दोनों अंगूठे टेढ़े हो करके, अरे आप समझ लीजिए कि वो राजा के साथ भी ब्याही जाएगी तब भी दुखी जीवन ही उसका रहेगा। दूसरों के ऊपर आश्रित होगा उसका रोटी रोजी। और उसी तरह से अगर बेलनाकार अंगूठा होगा, सारी उंगलियां सीधी होंगी और जमीन पर चलते हुए आवाज पैरों से नहीं निकलेगी, तो ये पद्मिनी स्त्रियां होती हैं। ये अगर जंगल में भी ब्याह दी जाए तो वहां भी राजा महाराजा का वैभव हो जाता है। तो शारीरिक संरचना का बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर आपके भी हाथ की उंगलियों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप ये बात समझ करके चलिए कि अगर टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां हैं तो जीवन में संघर्ष को संकेत करती हैं। ऐसे हाथ की सारी उंगलियों को सटा लीजिए। अगर कोई उंगली से आपको आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि आपका कोई खर्च नाजायज नहीं है। अगर इस हाथ की उंगली में छेद दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप परिवार पर पैसा खर्च करते हैं, कोई नाजायज खर्च नहीं करते हैं। अगर इसमें दिखाई दे रहा है छेद, तो इसका मतलब आप दुर्व्यसन पर भी पैसा खर्च करते हैं। अगर इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप बुद्धिहीनता और मूर्खता बस अपने धन का नाश कर रहे हैं। तो ये उंगलियों को सटा करके भी आप देख सकते हैं, इसका फल आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके हाथ की उंगलियां टेढ़ी हैं? क्या आपके हाथ की उंगलियां फूली रहती हैं? उंगलियों की ऐसी बनावट आपको शनि के शुभ फल देगी या अशुभ, भी पंडित जी से आप ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के हाथ की उंगलियां फूली हुई रहती हैं, ऐसे लोगों पर शनि का प्रभाव 90% रहता है। जिस व्यक्ति की उंगलियां टेढ़ी होती हैं, ऐसे लोगों पर शनि का सुप्रभाव पड़ता ही नहीं है। शनि पर्वत जिन लोगों का जरूरत से ज़्यादा दबा या उठा होता है, ऐसे लोगों पर शनि अपनी दशा में बुरा प्रभाव डालता है। न इसका ज़्यादा उठना अच्छा है, न इसका ज़्यादा दबना अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर मध्यमा उंगली सीधी और लंबी हो तो अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। जिन लोगों का शनि पर्वत हल्का दबा या उठा होता है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये बात फिर से बता रहा हूँ, समझ लीजिए।